हमारा कह रहा है कि एक काम को करने के लिए ए और बी की इफिशियंसी बता रहा है, लेकिन इसकी भाषा बदल गई है। यहाँ पे ए बोल रहा है जितनी समय में, यानी जितने टाइम में ए आधा काम कर पाएगा, यानी 50% काम कर पाएगा, उसी समय में बी हमारा इसी काम का जो कि आपका 100% है इसका 3/4 पार्ट कर लेगा, यानी इसका मतलब होता है आपका 75% काम पूरा कर देगा। अब यहाँ पे देखिए 100% की बात नहीं कह रहा है, यहाँ पे उसके टुकड़े कर दे रहा है काम की, बोल रहा है कि जितने समय में ए आधा ही काम कर पाएगा उतनी देर में बी आपका 75% काम करके निकल गया होगा। अब आप बताइए कि ए और बी दोनों मिलके 18 दिन में अगर काम पूरा कर रहे हैं तो बी को अकेले कितने समय लगेंगे उसी काम को पूरा करने के लिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन फिर से एक बार घुमा दिया गया है और बच्चे कंफ्यूज जाते हैं कि क्या है। देखिए सिंपल सी बात है, फ्रैक्शन से आपको यूनिट में चेंज करना है, चाहे आप इसको कर लीजिए चाहे आप इसको कर लीजिए। तो हम लोग क्या करेंगे, 100% हमें काम पता करना है। अब आप बताइए आधा काम जब ये करता है तब ये 3/4 काम यानी 75% कर चुका है। अब जब ये 100% करेगा यानी 1.2 × 2 1 यूनिट तो ये कितना करेगा, 75% का दुगना कितना हो गया, डेढ़ गुना है ना, तो ये कितना हो जाएगा, ये 3/4 × 2 यानी 6/4 यानी 3/2 ये कितना हो जाएगा 150%। इतना काम कर चुके होगा, यानी अगर इसको मैं मानूं टी, इन दोनों में रिलेशन कितने का हो गया, ए अपॉन बी में क्या रिलेशन हो गया, ये रिलेशन हो गया है आपका, अगर मैं यहां पे डेज की बात करूं तो ए की इफिशियंसी जो है डेज में अगर 3 है तो इफिशियंसी बी की 2 है, क्योंकि ये डेज के टाइम में ये डेढ़ गुना समय लेगा है ना, क्योंकि इसकी इफिशियंसी बी से जब ये 100% कर रहा था तो ये डेढ़ गुना कर रहा था, तो इफिशियंसी का हमेशा डेज हमेशा क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो इस तरह से इफिशियंसी जब 150% बी की है तो डेज में ए 150% ज्यादा लेगा, तो बी जब 2 डेज ले रहा है तो ए कितना लेगा, 3 डेज। तो यही है हमारा तरीका जिससे कि हम लोग बी की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे सिंपली आपका फॉर्मूला था 1/A + 1/B = 1/Total Time, यानी इसकी वैल्यू दी है आपको 18। तो यहाँ पे आप वैल्यू रख देंगे, माना है कि ए हमारा 3x days ले रहा है तो हमारा बी कितना लेगा, 2x days, तो 1/18। तो इस तरह से आप लोग एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका 5/6x = 1/18। एक्स की वैल्यू हम लोग फाइंड कर लेंगे, ये आ जाएगी आपकी 6 × 3 = 15 days, तो यानी 15 के मल्टीपल्स में है। तो ए की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं, ए की वैल्यू आ जाएगी 3/15 = 45 days और ए की वैल्यू आ जाएगी 2/15 = 30 days। तो यहाँ पे देखिए आपको सिर्फ बी की वैल्यू फाइंड करनी थी कितने दिन लेंगे, लेकिन हमने दोनों की फाइंड कर ली, ए हमारा 45 डेज लेगा और बी हमारा 30 डेज लेगा। इस क्वेश्चन में हमारा दिया है कि ए की इफिशियंसी 50% है बी से और सी की इफिशियंसी जो है 50% है या हाफ है किसकी, ए प्लस बी का जितना समय लगता है उससे, और आपको इसी के साथ दिया गया है सी 40 डेज लेता है किसी काम को पूरा करने में। अब बताइए कि 1/A + 1/B + 1/C कितना टाइम लेंगे, तो आपसे तीनों मिलकर जब काम को पूरा करना होगा तो कितना समय लेंगे, इसे हमें फाइंड करना है। अब बताइए ए की इफिशियंसी अगर 50% है तो अगर हम लोग लेट कर लेते हैं कि बी हमारा एक्स डेज ले रहा है तो बी हमारा दुगने डेज ले रहा होगा, यानी ये लेगा ट्वाइस ऑफ एक्स, और इसी से हम लोग फाइंड कर लेंगे कि हमारा सी कितना ले रहा होगा, सी हमारा ये दोनों मिलकर जितना वक्त लेंगे उसका डबल लेगा। तो इसको हमें सबसे पहले फाइंड करना होगा, तो इसको कैसे करेंगे, 1/2x + 1/x = 1/A + B of total time, तो हमारा यहां से क्या मिल जाएगा, ये हो जाएगा 3/2x = 1/A + B of total time, तो ये हमारा आ जाएगा a प्लस बी टोटल टाइम, हमारे 2x/3 लेंगे
और यहीं पे सी हमारा ट्वाइस लेगा इसका, तो ये क्या हो जाएगा 2 × 2x / 3 यानी हो जाएगा 4x / 3 है ना, इतना डेज लेगा। तो आप यहाँ पे सी की वैल्यू क्या रख सकते हैं 4x / 3। अब आपको पता है 4x / 3 x के टर्म में है, लेकिन आपको दे दिया गया है कि ये कितनी है, इसकी वैल्यू किसके बराबर है 40 डेज। तो यहां से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं x = 40 × 3/4, तो ये हो जाएगा x की वैल्यू आपकी 30 डेज। तो जब आपको x की वैल्यू 30 डेज मिल गई है, यानी b आपका 30 डेज ले रहा है, c आपका 40 डेज ले रहा है, और वही a आपका 60 डेज लेगा। अब यहां आपको 60, 30, 40 मिल गया है, अब आप इनकी वैल्यूज को यहां रख सकते हैं। आइए चलिए रख देते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा आपका 60, ये हो जाएगा 30 और ये हो जाएगा 40, और इसको हमें सॉल्व करना है, इसको हम लोग चलिए सॉल्व कर लेते हैं, और इसका आंसर आपको टोटल टाइम की वैल्यू मिल जाएगी, और यही है आपका आंसर, और इसका आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। मैं इन वैल्यूज को नहीं सॉल्व कर रही हूँ ताकि आपकी कैलकुलेशन कम से कम फास्ट हो, एक SSC CGL के लेवल का आप लोग तैयारी कर रहे हैं, तो उम्मीद करती हूँ कि इस तरह के छोटे फ्रैक्शंस का आंसर आप खुद निकालें। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन है आपका कि अगर ए एंड बी दो लोग हैं, दोनों मिलके जब काम को करते हैं तो ये लोग 5 डेज लगाते हैं, लेकिन उसी काम को करने चलेते हैं वो लोग, मान लीजिए दूसरे दिन ए और बी दोनों आते हैं, तो इस दिन ए दुगनी स्पीड से काम कर रहा है। क्वेश्चन कहने का मतलब यही है कि ए अपनी ट्वाइस इफिशियंसी से काम कर रहा है, लेकिन बी अपनी स्पीड का 1/3 हो गया है ना, जैसे होता है कि कोई किसी किसी दिन बीमार हो जाता है ना, तो ये है। तो यहाँ पे ए और बी जब दोनों मिलकर काम करते हैं अपनी इफिशियंसी तो 5 डेज लगाते हैं, लेकिन जब ए अपनी ट्वाइस इफिशियंसी से और 1/3 इफिशियंसी से बी काम करता है, तो वही ये लोग 3 डेज में काम को पूरा कर देते हैं। तो ये इक्वेशन आपको समझ नहीं आ रही होगी, जबकि इसने स्पीड तेज की और इसने स्पीड कम कर दी और कम समय में काम पूरा हो रहा है। तो आपको बताना है कि ए की अगर अकेले काम को करना हो तो कितने दिन में पूरा करेगा, या आपसे क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता था कि बे अकेले काम करेगा तो कितने दिन में पूरा करेगा। तो चलिए यहाँ पे इक्वेशन बनानी पड़ेगी हमारी, जैसे कि आप लोग अपनी छोटी क्लासेस में पढ़े थे वैसे ही है, सिंपल है। चलिए मैं आपको समझाती हूँ कैसे। तो यहाँ पे ये हो जाएगी 1/x + 1/y = 1/5। दूसरी इक्वेशन होगी हमारी, वो हो जाएगी ट्वाइस इफिशियंसी है, यानी ये कम समय लेगा x/2, तो ये हो जाएगा 2/x + इफिशियंसी, यहाँ पे आपके दिन 3 गुना हो जाएंगे ना, तो ये हो जाएगा 3y और डेज हमारे हो जाएंगे 1/3। तो ये आपकी दो इक्वेशन बनी। अब हमें क्या करना है, x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, और दो इक्वेशन हमें दी हुई है। इन इक्वेशन को सॉल्व करने का सबसे इजी तरीका होता है, आपने वेरिएबल्स में पढ़ा होगा, 1/x और 1/y को हम लोग लेट कर लेते हैं कि 1/x को p मान लेते हैं और 1/y को q मान लेते हैं, तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना इजी हो जाएगा। तो चलिए रख देते हैं इनकी वैल्यूज। तो यहाँ पे ये हो जाएगा p + q = 1/5, और जबकि ये आपका बन जाएगा 2p + q/3 = 1/3। हमारी दो इक्वेशंस, और यहाँ पे 1/x को p माना है, 1/y को q माना है, तो हम लोग इस वैल्यू को यहाँ पे रखेंगे। अब देखिए ये वैल्यू हमारी 2p q/3, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये बन जाएगी आपकी 6p + q, और ये हो जाएगा 3/3 यानी 1। तो इस तरह से आपको क्या मिल गया, ये = 1। यहाँ पे आप p + q की वैल्यू रख सकते हैं, कैसे, तो ये आप लिख सकते हैं 5p + p + q = 1, और p + q की जगह पे आप सिंपली वैल्यू रख दीजिए 1/5 = 1, और आंसर आप फाइंड कर सकते हैं 1 - 1/5, और ये वैल्यू आपको मिल जाएगी 4/5 = 5p। तो इस तरह से p की वैल्यू आपकी आ जाएगी 4/25। अब आपको पता है p हमने 1/x पता किया था, यानी x की वैल्यू आपको कितनी मिल जाएगी, यहां से x की वैल्यू मिल जाएगी आपको 25/4 डेज,
यानी ये हो जाएगा आपका 6 1/4 डे। टी की वैल्यू हमें मिली है 4/25 और क्यू की हम लोग वैल्यू फाइंड कर लेंगे इस इक्वेशन से, तो ये हो जाएगा आपका 1/5 माइनस पी यानी 4/25। इसको सॉल्व कर लेंगे हम और ये कितना हो जाएगा इंटू 5 यानी 1/25। अब आपको पता है q इज इक्वल टू होता है 1/y, तो y की वैल्यू हमें मिल जाएगी 25 डेज। तो इस तरह से हमारी x की वैल्यू आ गई है 6 1/4 ऑफ डे एंड y की वैल्यू है हमारी 25 डेज। तो इस तरह से आप देखिए कि दोनों की एफिशिएंसी में कितना फर्क है। हमारा जो a है ये 6 डेज एंड 6 आवर्स में काम को पूरा करता है, जबकि y हमारा 25 डेज लेता है उस काम को पूरा करने के लिए। और यही वजह थी कि सेकेंड इक्वेशन में जब उसने अपनी एफिशिएंसी को 1/3 कर लिया था और इसने ट्वाइस किया था तो समय कम लग रहा था काम को पूरा करने के लिए। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और